नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मार्केट शाला पर आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार डिस्क्लेमर जो है वर्बली भी दे देते हैं हम, ये एक एजुकेशनल पर्पस से हमारा एक प्रयास है। आप कोई भी अपना डिसीजन ट्रेड का हो, कोई भी इन्वेस्टिंग का हो, किसी भी तरीके का अगर आप डिसीजन मार्केट में लेते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके वो डिसीजन लें। तो आज का मार्केट बहुत ही बढ़िया रहा, मार्केट इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रहा। जो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर है उनके लिए थोड़ा सा पिछले दो तीन दिन से लगभग 11 बजे तक जो एक अपवर्ड मोमेंट आना मोमेंटम आना होता है वो आ जाता है, या डाउनवर्ड साइड में जाना होता चला जाता है। फिर 10:30-11 बजे के आसपास से मार्केट पूरी तरीके से फ्लैट रहता है, जिसकी वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि सर्टेन लेवल्स को जो है ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा कुछ वहाँ पे फिर इतनी मूवमेंट बनती नहीं है कि एक पर्टिकुलर दिन के 5-6 घंटे के ड्यूरेशन के अंदर आप एक डिसाइसिव गेन अर्न कर पाए अपने ट्रेड्स के लिए। तो ऐसे फेजेस होते हैं मार्केट के अंदर, और ये फेजेस जब पास हो जाते हैं तो फिर वही सेम जो दूसरे वाले जो फेजेस हैं जिसके अंदर की इंट्राडे ट्रेडिंग के मूवमेंट्स अच्छे मिलते हैं और वहाँ से आपको अच्छे जो है सेटअप्स के अंदर अच्छे आपके ट्रेड्स बनते हैं, तो उस टाइम पे आपके जो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड, जो एक एडिशनल रिवॉर्ड आप रिस्क एंड रिवॉर्ड जो आप मैच करते हैं वो आपको बेनिफिट कराने का काम करते हैं। तो सुबह हमने जब आपके साथ प्री मार्केट एनालिसिस शेयर किया था, यूएस मार्केट का जो हैंडओवर था न्यूट्रल था, क्योंकि जहाँ भी था मार्केट वहाँ से ना ज़्यादा ऊपर गया ना नीचे गया, वहीं पर एक ही जगह आकर के अपना मतलब कोई डिसाइसिव मूवमेंट जो है यूएस मार्केट्स के अंदर नहीं था। बॉन्ड यील्ड्स हालांकि कंटिन्यूसली गिर रही हैं, जो कि एक इंडिकेशन है, 10-ईयर बॉन्ड यील्ड्स जो यूएस की हैं वो लगातार गिर रही हैं, वो एक इंडिकेशन है कि फेड रेट कट का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है मार्केट को, राइट। इंडिया विक्स कल 13.82 पे एंडओवर मिला था, विच इज रियली हेल्दी इन टर्म्स ऑफ मार्केट मूवमेंट। इंडिया का स्टॉक मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो हम बुलिश लेके चले थे, और निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर के इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से लेवल्स हमने आपके साथ शेयर किए थे, राइट। आपकी स्क्रीन पे वो आएंगे, और मॉर्निंग में जिन्होंने हमारा 1 मिनट प्री मार्केट एनालिसिस देखा होगा तो उनको वो लेवल्स हमने बताए थे, राइट। इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों साइड ट्रेड्स लेने को लेकर के चलना था, और पोजिशनल साइड पे बुलिश रहने की कवायद जो है हमने करी थी कि हमें लग रहा था कि बुलिश साइड पे ही पोजिशनल ट्रेड्स जो हैं बननी चाहिए, राइट। वंस अगेन आई कैन से दैट दिस इज नॉट रिकमेंडेशन, and whatever we say here on our channel it is not recommending anything, any sort of position. You will have to talk to your financial advisor before taking any position into the markets, right. देखते हैं सबसे पहले कि निफ्टी का किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा। निफ्टी का चार्ट आपके सामने आ गया है, और जब हम निफ्टी के चार्ट की परफॉर्मेंस देख रहे हैं यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं जिन लेवल्स को हमने फिगर आउट किया हुआ था, एक जो गैप अप पे कल एक रेजिस्टेंस मिला था, गैप था उस गैप पे जो एक रेजिस्टेंस मिला था 24,700 के आसपास का वो लेवल था, उसको डिसाइसिवली ब्रीच करके आज जो है निफ्टी क्लोज हुआ है 24,770 के ऊपर, विच इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन। अब जो हमारा जैसा कि डिस्कशन था, एक नेक्स्ट गैप अप जो कि हमें मिला था 1 अगस्त और 2 अगस्त के बीच में, जहां पे लगभग 300 पॉइंट का गैप डाउन दिया था, 1 अगस्त जो मार्केट ने हाई बनाया था 25,078 के आसपास का, उसके बाद जो एक गैप डाउन ओपनिंग मिली थी वो मिली थी हमें 24,789 की। तो अब ये एक जो गैप है इसको भी फिल करना पड़ेगा अगर हम नए लेवल्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं निफ्टी के अंदर, राइट। तो अभी के हिसाब से सेंटिमेंट्स आर रियली बुलिश, बहुत बढ़िया से ये आज मार्केट ने जो है प्ले किया है।
देख लेते हैं सेक्टर्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया। सेक्टर की परफॉर्मेंस देखें तो आईटी सेक्टर जो पिछले कुछ दिनों से बहुत ही स्ट्रांग और हीरो ऑफ द मार्केट बना हुआ था, आज थोड़ा सा जो है फ्लैट रहा है, फ्लैट एकदम फ्लैट रहा है, ना ऊपर ना नीचे। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर अपने। फार्मा सेक्टर ने बहुत ही बढ़िया किया है, फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा करा आज, इसने बहुत अच्छे गेंस के साथ अपने आप को क्लोज किया। एफएमसीजी सेक्टर जो कि कल लगाट था, आज एफएमसीजी सेक्टर ने भी बहुत अच्छा किया। एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड जो स्टॉक्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आज किया। एनर्जी सेक्टर फ्लैट टू पॉजिटिव यू कैन से। कंजम्पशन सेक्टर ने अच्छे गेंस लिए, गेंस के साथ बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स जो है, मिड कैप इंडेक्स ने भी, मिड कैप के जो शेयर्स हैं उन्होंने, स्टॉक्स ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। इसी वजह से जो मिड कैप इंडेक्स आपको अपवर्ड साइड में अपनी जो लाइन ग्राफ है उसको इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी मिड कैप और निफ्टी में मोरलेस एक ही जैसी जो है बढ़त दिखाई दी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रेशो। इंफ्रा के सेक्टर्स ने डिसेंट गेंस लिए, फाइनेंस सेक्टर ने जो है अपने गेंस को लूज किया, उसमें कुछ फिनटेक कंपनीज भी थी, प्लस आपके जो मतलब एनबीएफसी कंपनीज भी थी और प्लस जो बैंक्स थे उनकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी डाउन रही आज। ऑटो इंडेक्स कंपैरेटिवली डन बेटर एंड ऑटो इंडेक्स कहीं ना कहीं टक्कर दे रहा है आपके फाइनेंस इंडेक्स को क्रॉस करने के लिए, कोशिश कर रहा है जिससे कि एक आउट परफॉर्मेंस वहाँ पर दिख पाए, राइट। मेटल सेक्टर कंटिन्यूसली पिछले 3-4 दिनों से अपवर्ड मोमेंटम दिखा रहा है और उस सेक्टर में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ भी है। रियलिटी सेक्टर ने आज जो है अपने गेंस को लूज किया, यानी कि कमज़ोर होकर के बंद हुआ। ये था पूरे सेक्टर का लेखा जोखा, आज किन सेक्टर्स में बढ़त रही, किन सेक्टर्स में जो है कमजोरी रही, राइट। आप देख लेते हैं कि वर्ल्ड मार्केट क्या इंडिकेट कर रहे हैं। डाउ जोन्स का ये आप देख पा रहे हो, ये आपका एग्जैक्टली वहीं पे बना हुआ है, ये आपका 22 तारीख यानी कि जो भी मार्केट ओपन होगा यूएस का, उसका अभी को एकदम अनडिसाइसिव टेरिटरी में एकदम से अपना कैंडल फॉर्मेशन हुई है और कुछ अभी ऐसा कुछ भी आभास नहीं हो रहा है कि शाम को जब यूएस मार्केट ओपन होंगे तो किस डायरेक्शन में ओपन होंगे। जब ओपन होंगे तो वहीं से ये फ्यूचर का जो इंडेक्स है डाउ जोन्स का, वहीं से सिग्नल्स लेकर के अपना मोमेंटम शो करेगा और कल मॉर्निंग में हमें पता चलेगा कि किस तरीके का हैंडओवर यूएस मार्केट्स की तरफ से रहा। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बुलिश साइड पे, विच इज़ गुड। यूरोपियन मार्केट्स में देख लेते हैं, फ्रांस के मार्केट का ट्रेंड एकदम बढ़िया अपवर्ड साइड में बना हुआ है, 0.5% के गेंस के साथ जो है ट्रेड कर रहा है। जर्मनी का मार्केट अपवर्ड साइड का बहुत ही एग्रेसिव ट्रेंड बना हुआ है, एक दिन पहले थोड़ा सा जो है प्रॉफिट बुकिंग था लेकिन आज फिर से जो है 0.5% के आसपास का गेंस लेकर के ट्रेड करते हुए जर्मनी मार्केट, यानी कि पॉजिटिव साइन जो है यूरोपियन मार्केट से मिल रहे हैं। और ये है यूके का इंडेक्स जिसने कि कल एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग शो करी थी और फिर वहां से थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम दिखाया है और आज फिर यूरोपियन तीनों मेन मार्केट्स आधे परसेंट के गेंस के साथ ट्रेड कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन फॉर दी ऑल ओवर दी वर्ल्ड इमर्जिंग मार्केट्स, राइट। जापानीज मार्केट पिछले 3-4 दिन से कंसोलिडेशन फेज में था लेकिन अभी जो आप देख पा रहे हैं जो बचे हुए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं 50 एंड 100 के, उनके ऊपर आकर के एकदम एज के ऊपर आकर के इसने अपना लेवल को होल्ड किया हुआ है एंड इट इज़ अ वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग साइन फ्रॉम द जापानीज मार्केट व्हाट वी कैन सी। एंड ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट्स के लिए भी ये अच्छी खबरें हैं कि यूएस, यूके, जापानीज सारे ये जो मेन मार्केट्स हैं दे आर डूइंग वेल, यानी कि वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट वी विल ऑल्सो बी एबल टू कंटिन्यू विद दी बुलिश साइड का मोमेंटम, राइट। इंडिया विक्स आज फिर थोड़ा गिर के बंद हुआ है, कल जैसे कि इसकी जो क्लोजिंग मिली थी वो मिली थी हमें
क्लोजिंग है 13.82 के ऊपर और आज की जो क्लोजिंग है ये है 13.32, लगभग आधा परसेंट और जो है ये नीचे आ गया है, विच इज अ हेल्दी साइन। ज़्यादा नीचे जो विक्स आ जाता है वो बोलते हैं कि भाई 10-11 तक नहीं जाना चाहिए, 13-14 तो बहुत ही हेल्दी साइन है वॉलेटिलिटी इंडेक्स के, जो कि इंश्योर करता है कि आपके मार्केट का जो मोमेंटम है वो एक डिसाइसिव मोमेंटम रहे, फेक मोमेंटम जो है मार्केट में ना आए। उसके लिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है जब तक 14-13 के आसपास रहता है, 13-14 के आसपास रहता है, इट इज़ अ गुड साइन व्हाट वी गेट, राइट। अब देख लेते हैं एक बार फिर ये कि भाई क्या जो है हमारी आज प्री मार्केट एनालिसिस की शीट थी, इसके अंदर निफ्टी फ्यूचर लेवल्स का जो हम देख पा रहे हैं 24,711 का हमारा कल का हैंडओवर था और रेजिस्टेंस एरियाज थे 24,765, 24,884 और 25,075 पे। सपोर्ट एरियाज थे 24,624, 24,449 और 24,359 के ऊपर। इसको लेकर के हम जो है एक 100 ट्रेड्स का चैलेंज लेके चल रहे हैं, जिसकी बड़ी सिंपल कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी है। लेवल्स के ऊपर जैसे ही प्राइस हिट करता है, अगर नीचे से प्राइस हिट करता है तो हम शॉर्ट करते हैं, और जो ये लेवल्स दिए हुए हैं उन लेवल्स के ऊपर अगर ऊपर से प्राइस हिट करता है तो हम लॉन्ग साइड में जाते हैं। ये एक तरीके से कॉन्ट्रा मैं इसलिए बोलूँगा कि मार्केट में ऊपर से नीचे आ रहा है रेट और आप वहाँ पे अपना लॉन्ग पोजीशन बना के बैठे हैं, यानी कि अगेंस्ट दी मोमेंटम आपको ये लगता है कि उस लेवल पे आकर के वो प्राइस जो है ऊपर जाएगा, और मार्केट जब नीचे से ऊपर जा रहा है और आप में एक लेवल पे सेल की अपनी पोजीशन या ऑर्डर बना करके बैठे हुए हैं, वो भी एक कॉन्ट्रा है, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है, मोमेंटम ऊपर की तरफ है, आप ये कहते हैं कि ये लेवल पे जो है मार्केट आया, अब ये यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है। ये एक पॉइंट है जिस सिंपल स्ट्रैटेजी पे हम काम कर रहे हैं। इस स्ट्रैटेजी का जो एसेंस है वो इसका इसके प्राइस एंड एक्शन और लेवल्स नहीं है, इसका जो एसेंस है मैं फिर एक बार बताऊंगा, वो है आपका जो आपने डिसिप्लिन वे में रूल्स बना रखे हैं कि 50 का स्टॉप लॉस, 100 का टारगेट, राइट, 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड, दिन में मैक्सिमम 2 ट्रेड्स लिए जाएंगे, अगर पहली ट्रेड जो है टारगेट हिट कर जाती है तो दूसरा ट्रेड हम लेने जाएंगे ही नहीं, यानी कि ओवर ट्रेडिंग को हम यहाँ पे नल एंड वॉइड कर रहे हैं, राइट। ये दूसरी चीज हो गई। इस तरीके से इन दोनों रूल्स को हम फॉलो करके वो जो है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि मिनट मिनट में चीज़ें चेंज होती हैं, तो आप नई चीज़ों को कोई ऐसा सेटअप, लॉन्ग टर्म जो पोजिशनल ट्रेड्स होता है उसमें आप चार्ट देखिए, सब कुछ आपको जो है पोजिशनल ट्रेड आइडिया पूरा मार्केट का और वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमी में क्या हो रहा है सारी चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन जब इंट्राडे में आते हैं तो इंट्राडे में आपको आपका डिसिप्लिन और आपके रूल्स ही बचाते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं बट सेकेंडरी है, लेकिन रूल्स जो हैं वो आपके फेवर में होने चाहिए, मतलब आपके लिए सर्वोपरि होने चाहिए, राइट। तो देख लेते हैं कि आज किस तरीके से मौका दिया भी कि नहीं दिया। ये रहा 3 मिनट का हमारा निफ्टी का चार्ट, निफ्टी फ्यूचर लेवल्स। जब हमने 3 मिनट का चार्ट ओपन किया तो ये देखिए यहाँ 9:15 पे अभी मेरा जो है कर्सर है, 9:15 यानी कि एक कैंडल हम जो है 3 मिनट की उसको अवॉइड करते हैं, उसके बाद क्योंकि 3 मिनट में हमें मौका मिल जाता है, जो भी लेवल्स हमें दिख रहे होते हैं, जैसे अभी यहाँ पे जो है 24,765 और 24,624 के लेवल्स के बीच में जो है निफ्टी की ओपनिंग हुई है फ्यूचर लेवल्स की 24,697, तो हमें आराम से 3 मिनट में मौका मिला कि हम जो है 24,765 पे अपनी एक शॉर्ट की पोजीशन बनाएं, यानी कि सेल की पोजीशन बनाएं, और 24,624 पे हम एक बाइंग का ऑर्डर डाल के बैठें, और जो भी लेवल को टकराता है वहाँ पे हमारा वो ऑर्डर जो है ट्रिगर हो जाए। तो नीचे तो आया नहीं, लेकिन हाँ ये जाके टकराया 10:21 पे अपर वाली बैंड पे जो कि 24,765 था, वहाँ पे हमारा शॉर्ट का, राइट, मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन हम शॉर्ट कर रहे हैं, यानी कि कॉन्ट्रा कॉल ले रहे हैं, और वहाँ से 50 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस लेकर के 100 पॉइंट का हमने टारगेट सेट किया। अब 24,765 से 100 पॉइंट नीचे आने के लिए 665 होना चाहिए था, लेकिन इसने मैक्सिमम लो जो बनाया आज वो बनाया मात्र
24711, यानी कि लगभग लगभग आप ये मान के चलें कि 50-55 पॉइंट, जितना आपने स्टॉप लॉस लगाया उतने का ही जो है आपको लू मिला। तो 1:1 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ हमारे फेवर में हमारा ट्रेडिंग सेटअप नहीं जाएगा पूरे दिन। आप देखिए, जो भी मैं बता रहा था आपको कि 11 बजे के बाद, 10 या 11 बजे के बाद आप देखिए क्या इस तरीके का जो है एकदम साइडवेज में चला जाता है पूरा मार्केट। पूरे दिन का जो है मूवमेंट जो है आप ये देखिए 24800 से लेकर के 24700, यानी कि 100 पॉइंट के दायरे में पूरा मूवमेंट हुआ है। अगर 100 पॉइंट्स को अर्न करने के लिए कम से कम 150 पॉइंट का मोमेंटम बने तब जाकर के आप 100 पॉइंट्स का टारगेट ले सकते हैं, और एटलीस्ट इतना तो एक जेन्युइन टारगेट होता ही है। तो एंड ऑफ द डे क्या हुआ आपका, ना तो स्टॉप लॉस हिट हुआ ना आपका टारगेट हिट हुआ। उस बीच में कई बार आपके खरीदे हुए भाव के ऊपर आपकी ये मार्केट आई, वहां पे आप निकलना चाहें तो 2 बजे, मैं मान के चलता हूं कि अगर इंट्राडे में 2 बजे तक कुछ नहीं हुआ है तो उसके बाद आप जो है एक तरीके से अजम्पशन के भरोसे रह जाते हैं कि हो सकता है कुछ हो जाए। तो बेटर ये होता है कि 2 बजे तक आप अपनी पोजिशन को स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए कि 2 बजे के बाद क्या होगा नहीं होगा, यू नेवर नो। क्योंकि वो अगर उसके 2 बजे के आसपास जो उसी दायरे में अगर आपके पास भाव आ रहा है जहाँ पे कि आपने अपनी पोजीशन बनाई है, और 2 बजे तक लगभग 10 बजे से ट्रेड आपका इनिशिएट हुआ है और 2 बज गए हैं, 4 घंटे में अगर कुछ नहीं हुआ है तो 1 घंटे में जो होगा वो स्पेकुलेशन होता है। और स्पेकुलेशन से बचने के लिए, स्पेकुलेटिव मूवमेंट से बचने के लिए अगर आपके नो लॉस नो प्रॉफिट एरिया में है 2 बजे तक का भाव तो आप वहाँ पे जो है निकल जाएं नो लॉस नो प्रॉफिट में। 2 बजे नहीं है तो 2:15 तक वेट कर लें, 2:30 तक वेट कर लें। उस 1 घंटे के अंदर जब भी आपको मौका मिले, अगर आपके, क्योंकि जब साइडवेज है मार्केट इसका मतलब वहीं पे चल रहा है जहाँ पे आपने खरीदा या बेचा है, तो उसके आसपास जब भी मिले आपको 2 बजे या उसके आसपास, उसके बाद आप जो है अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करें एंड उस पर्टिकुलर डे को नो लॉस नो प्रॉफिट में कंसिडर करते हुए बाहर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट रोज जो है मार्केट खुलना है, रोज दिन आएगा। हमारा जो है सेटअप एकदम डिफाइंड है, हम जो है 10-10, 20-20, 25-25 पॉइंट के स्टॉप लॉस रख ही नहीं रहे जिससे कि बार बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हो। हमारा जेन्युइन स्टॉप लॉस है 50 पॉइंट्स का और जेन्युइन ही टारगेट है। जिस दिन मार्केट ओपन होने के बाद पूरे दिन में एक जेन्युइन जो है आप ये मान के चलिए कि जेन्युइन तरीके से अपनी एक मोमेंटम कैरी करेगा उस दिन, और हमारे लेवल्स के ऊपर जो है हिट करेगा और वहां से कुछ एक कॉन्ट्रा 100 पॉइंट्स का मूवमेंट देगा तो हमें भी अपना जो है प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा, जैसे कि पीछे कुछ दिनों में हम लोग उस प्रॉफिट को, टारगेट को हिट कर रहे थे सिमिलर उसी तरीके से। तब तक जो है अगर हमारा ये नो लॉस नो प्रॉफिट में दिन जा रहा है ठीक है, अदरवाइज अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हो जाता है। क्योंकि वहां पे हम बचेंगे कैसे, वहां पे हम बचेंगे हमारे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के साथ, 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड जो कि हम फॉलो कर रहे हैं राइट। उसके साथ हमें मात्र 100 में से 40 ट्रेड्स में सक्सेसफुल होने की जरूरत है जिससे कि हमारा मंथली 3-4% का रिटर्न बन जाए। ठीक है, अभी हम आज की ट्रेड को नो लॉस नो प्रॉफिट की कैटेगरी में डाल करके अपनी ट्रेड बुक में मेंशन करेंगे जिससे कि हिस्टोरिकल रेफरेंस के साथ जो है वो हमारे पास डेटा रहे। ठीक है, आज तारीख थी 21/8/24, निफ्टी का हमने ट्रेड लिया था और NLNP यानी कि नो लॉस नो प्रॉफिट में हम 2 बजे के आसपास अपना पोजीशन क्लोज करके निकल गए। टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स आर 14 नाउ, विनिंग इज 7-6 और लूज इज, जो हमने ट्रेड्स लूज करी हैं वो है 7 यानी कि 13। तो NLNP जो है ये हमारा एक ट्रेड आ रहा है, या तो हम इसको मेंशन ही ना करें जैसे कि हमने सेकंड वाले इसको किया ही नहीं था। NLNP माने कि ट्रेड, ऐसा नंबर ऑफ ट्रेड को हम मेंशन करके करें क्या जहाँ पे कि ना तो लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, जिससे कि हमें
वो एक लॉस एंड विनिंग और लूजिंग वाले जो ट्रेड्स हैं उनका कॉम्बिनेशन के साथ जब 100 ट्रेड्स मिलेंगे तो हमें एक एक्चुअल आइडिया लगेगा कि 100 ट्रेड्स के ऊपर ये एक बेसिक सी स्ट्रेटजी हमारे रूल्स के भरोसे किस तरीके से काम कर रही है, राइट। और वहाँ पे मैं एक कन्विक्शन आपको दे पाऊँगा कि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट मेंटेनिंग रूल्स, मेंटेनिंग योर डिसिप्लिन, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे हम इसको 13 ही कर देते हैं क्योंकि NLNP इज ऑलमोस्ट लाइक अ नो ट्रेड, राइट। अभी भी हम जहां पे कल थे सेम उसी स्थिति में है। हमारा प्रॉफिट परसेंटेज जो है 8.93 है और हमें जो है मार्केट का मंथली टारगेट जो 4 का है उससे ऑलमोस्ट डबल से भी ऊपर है। अभी हम टोटल हमारे जो नंबर ऑफ डेज हैं वो 1 तारीख से शुरू हुए हैं और आज हम 21 तारीख पे हैं। महीने का जो एंड है वो 31st of August को है। देखेंगे कि तब तक हमारा जो प्रॉफिट परसेंट है क्या वो 4% से ऊपर रहता है या फिर 4% को ब्रीच करता है या हम लॉस में चले जाते हैं। तो यही चीज़ें हैं जो आपको एक कॉन्फिडेंस देंगी जो कि रियल टाइम प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड रिजल्ट। क्यों वो रिजल्ट आया इसमें Nobody is important, neither you nor me. The important thing what I wish you to get convinced is the rules what we are following, right? And this is for the educational purpose only. अगर आप इस तरह की कोई strategy या फिर ये तो कोई strategy basically मैं बोलूँ है नहीं इतनी, but ये है कि strategy से ज़्यादा importance जो होती है वो rules की होती है, जो आप अपने discipline के साथ उन rules को follow करते हैं वो मैं कन्विंस आपको करने की कोशिश कर रहा हूँ, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर अगर आप इसको देखते हुए अपने लिए कोई भी ट्रेड आगे लेकर के चलते हैं, अपने लिए इंट्राडे ट्रेडिंग को अपना 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 करियर बनाना चाहते हैं, देन दैट विल बी योर ओन कॉल, राइट। बिकॉज ऑल दिस डिस्कशन व्हाट वी आर डूइंग इट इज ओनली एंड सोलली फॉर द एजुकेशनल पर्पज ओनली। तो सीखने के लिए जुड़े रहे मार्केट शाला के साथ, सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। थैंक यू, बाय बाय, सी यू टुमारो।